बकरी तो मैं खा गया कब का। अनुराग खत्म भाई खत्म। रामू भैया बकरी तो मैं खा गया कब का, अब लगता है थोड़े भेड़ बचे। खत्म भाई साहब। Hey guys, we are back with another reaction video. और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप रोस्ट बिग बॉस के घर पर, जो मुनव्वर फारूकी के चैनल पर आए हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, सबसे ज्यादा हटके है कि भाई हमें पता है कुछ खत्म कर दिया, इमोशनल डैमेज कर दिया, जो कारवा का भी खत्म। जल्दी से देखते हैं इसको, रिएक्ट करते हैं, आगे हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है यहाँ पे देश के हर कोने से लोग आए हुए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भी सारे सेलिब्रिटीज है और विक्की भाई भी है। चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं। चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं। शाणा इधर इधर कुछ डेढ़ बचे। अभी 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 पूरा सुनो ठीक है। चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं। शाणा इधर इधर कुछ डेढ़ बचे हैं। बकरी तो मैं खा गया कब का। बकरी तो मैं खा गया कब का, अब लगता है थोड़े भेड़ बचे। थैंक यू और जेन्युइनली सबके लिए तालियां, बहुत टैलेंटेड लोग। और अभिषेक, अभिषेक हमेशा बोलते रहता है कि वो बहुत ओवर एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस बहुत करता है, हर बार बोलता है ओवर पजेसिव है, ओवर एग्रेशन है, ओवर लव है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट, ये सब बोलना भूल जाते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। बट मैं अरुण भाई पे आ जाऊंगा तुरंत ही। अरुण भाई और बिग बॉस में एक सिमिलैरिटी है, पता है आपको? दोनों नहीं दिखते। लेकिन एक फर्क है, टाइमिंग, बिग बॉस की आवाज में दम तो है। अरुण भाई हैदराबाद से, पता है पुष्पाराज, पुष्पाराज झगड़े का क्या बोलता है, झुकेगा नहीं। अरुण भाई झगड़े में बोलते थूकेगा नहीं। अब अगर शुरू कर ही रहे इनको रोस्ट करना, तो सबसे पहले सबसे फेमस सेलिब्रिटी जो हमारे इस शो पे है एज अ कंटेस्टेंट, और सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल ऑल्सो, मनारा। और मनारा जब से यहाँ पे है दिल्ली में, पिछले 3-3.5 महीने से नॉइस पॉल्यूशन काफी कंट्रोल में। मनारा इतने एक्सप्रेशंस बना दिए, एक दिन उसको मिरर ने चमाट मारा था। हुआ था ऐसा। अंकिता ऑलवेज बोलती है कि टीवी उनका मायका है, ये जमाई कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक गया इधर। तो जमाई को कुछ कह ही देते अपन, है ना, जमाई को अपन कुछ कह ही देते कि जितने भी मुड़ गए ना सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा, वो सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा, यहाँ से सारे रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा। और लाला अगर तू वापस भिड़ाना तो तेरे को टनल के बाहर छोड़ के।
भाई फेमस 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 डायलॉग लेकिन विक्की भाई का टीवी से अलग रिश्ता है, उनको टीवी हो या बीवी, फेवरेट बटन है म्यूट। लेकिन ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज है बाहर, मुझे पता है कि विक्की और अंकिता में ज्यादा ऑब्सेस्ड कौन है। मनारा से लास्ट टास्क में मिर्ची वाला टास्क, टॉर्चर वाला, उसके अंदर इन्होंने कोशिश करी कि हम टास्क खेल ही ना सके। हाँ, सारी चीजें छुपा दी, बाल्टी छुपा दी, वैक्स छुपा दिया, मसाले छुपा दिए, सूखी मिर्ची छुपा दी। इतना तो मैंने भी नहीं छुपाया। ये लोग चाहते थे कि हम टास्क कर ही ना सके, हम टास्क करें ही ना। बिग बॉस को ये आइडिया अच्छा लग गया। तो बिग बॉस ने और हमने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं करते। तो मतलब मिर्ची तो हमने भी लगाई, पर ऐसी जगह लगाई झगड़े में। विक्की भाई ने मेरे को बोला था तेरे जैसे 200 मेरे यहाँ पे काम पे है, तेरे जैसे 200 मेरे यहाँ पे काम पे, 200 मेरे यहाँ पे काम पे, पर मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ जो यहाँ पे बीवी के नाम पे। अंकिता तो गया भाई, अंकिता की मुंह देखो भाई, अंकिता देख रहे हैं विक्की को, विक्की को ज्यादा रोक लिया। तो आयशा में मैंने कोई जोक नहीं लिखा क्योंकि मैं सिर्फ फेमस लोगों पे जोक करता हूँ। अरे आयशा तो गए, बट एक शायरी कह देता हूँ लास्ट में। मेरा किया मुझे कहीं भारी पड़ा, नफरत मुझसे और मैं ही चाहिए साथ खड़ा। मेरा किया मुझ पे कहीं भारी पड़ा, नफरत मुझसे और चाहिए मैं साथ खड़ा। कभी फुर्सत मिले तो शुक्रिया कह देना, आज भी तालियों के लिए आपको लिखना तो मुझ पे ही भाई साहब। ओ भाई बिग बॉस का मैं वो लास्ट वाला मतलब स्टैंड अप, उससे उससे बहुत ज्यादा बेटर ये है क्योंकि वो स्टैंड अप था, ये रोस्ट था। स्टैंड अप रोस्ट और जो भी भाई शायरी में रोस्ट कर दिया उनको, शायरी में रोस्ट तो किया, लेकिन भाई जितना भी पॉइंट बोला फेक्ट पूरा फेक्ट फेंक के मारा भाई ने जो भी। और मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा टनल वाला, मतलब वो शायरी, मतलब विक्की तो बहुत ज्यादा पंगा भी ले रहा है तो इसीलिए विक्की भाई को पूरा टनल वाला मार दिया। मतलब सच में आप तो नॉमिनेट भी हो गए, आशा तो एविक्ट हो गई और जल्द ही हो जाएंगे विक्की, ज्यादा देर नहीं है, विक्की अंकिता हो जाएंगे और टॉप फोर तो हमें मिल भी गया। तो बहुत कम दिन है, आपको क्या लगता है कौन विनर होने, मतलब नेक्स्ट वीक तक तो फिनाले है, फिनाले होने वाला है, तो आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है इसमें, मतलब विनर क्या होगा? मतलब सपोर्ट की वजह से, डिजर्विंग की वजह से तो मुनव्वर ही है, लेकिन मतलब बिग बॉस का अगर कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया, आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में और हम नेक्स्ट इस पर रिएक्ट करें, ये भी कमेंट में हमें बताएं और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।